हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ जवाब जो क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम पूछा था। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो यहीं पे पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन वाले वीडियो का, वो वीडियो देखिए, उस क्वेश्चन के ऊपर सोचिए, आपका जवाब ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिए, बाद में ही इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं जवाब के साथ। तो मैंने क्वेश्चन में आपको सिनेरियो बताया था जहाँ पे एक हॉल था और हॉल में 10 मशीनें थी जो चॉकलेट मैन्युफैक्चर कर रही है और हर मशीन 10 ग्राम की एक एक चॉकलेट बनानी चाहिए, बट उस 10 में से कोई तो एक मशीन है जो 11 ग्राम की चॉकलेट बनाती है और आपका काम यह था कि आपको एक मशीन ढूंढनी थी जो कि फॉल्टी है, जो 10 के बदले 11 ग्राम की चॉकलेट बना रही है। और आपको हेल्प के लिए मैंने एक वेइंग मशीन दी थी, टू बी स्पेसिफिक डिजिटल वेइंग मशीन दी थी, बट रिस्ट्रिक्शन ये था कि वो वेइंग मशीन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको आउटपुट देगी, यानी एक ही बार आपको वजन बताएगी, उसके बाद में वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इन सारे रिस्ट्रिक्शन कंसर्न के साथ में हमको जवाब के साथ में आगे बढ़ना है। तो जवाब थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है और इसी तरीके से आपको जवाब मिल सकता है। तो आप क्या कीजिए, आपके सामने 10 मशीन है तो आप एक काम कीजिए, हर मशीन को एक नंबर दे दीजिए 1 से लेकर 10 तक। समझ लीजिए 10 मशीन एक लाइन में है, तो आपने मशीन पहले मशीन को बोला मशीन नंबर 1, सेकेंड मशीन को मशीन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 मशीन को आपने एक एक नंबर अलॉट कर दिया। अभी आपको करना यह है कि आप हर मशीन में से कुछ चॉकलेट लेंगे, क्योंकि मशीन तो वर्किंग है, वो कंटिन्यूसली चॉकलेट बना रही है, मैंने सिनारियों में क्लियर किया था। तो आप हर मशीन में से कुछ चॉकलेट लेंगे, कितने? तो आप जिस मशीन को आपने एक नंबर दिया है उस मशीन में से आपको एक चॉकलेट लेना है, दो नंबर वाले मशीन में से आपको दो चॉकलेट्स लेना है, तीन नंबर वाले मशीन में से 3, 4 में से चौथे मशीन से 4, पांचवें मशीन से 5, ऐसे करते करते 10वें मशीन से 10 चॉकलेट्स लेना है। ठीक है, तो आपने टोटल 55 चॉकलेट्स ले लिए, राइट? तो टोटल 55 चॉकलेट हो गई। अभी आप वेइंग मशीन का यूज तो एक ही बार कर सकते हो। अभी आपने क्या किया है, उन 55 चॉकलेट्स का एक बंडल बनाया और इन्हें साथ में रखा और उस बंडल को आपने डिजिटल वेइंग मशीन पर रख दिया। और जैसे ही आपने उस डिजिटल वेइंग मशीन में रखा तो आपको सिर्फ एक बार डिस्प्ले होगा, क्योंकि सेकेंड टाइम तो मशीन डैमेज हो जाएगी, तो आपको वहाँ पे कुछ तो ग्राम लिख के आएगा, जो भी हो 550 ग्राम, 551 ग्राम, कुछ तो एक बार लिख के आएगा और आपका काम हो गया, इसमें आपको जवाब मिल गया। कैसे? अगर सारी 10 की 10 मशीन्स अगर सही से काम करती, यानी हर मशीन अगर 10 ग्राम की चॉकलेट बनाती, तो 55 चॉकलेट का वजन होना चाहिए था 550 ग्राम, क्योंकि हर एक चॉकलेट 10 ग्राम की है, राइट? बट अभी कोई तो एक मशीन फॉल्टी है, तो आप जब आपने 55 चॉकलेट का ग्रुप एक साथ में रख दिया, अगर आपको उस डिजिटल वेइंग मशीन पे 551 ग्राम दिखता है, मतलब एक ही ग्राम ज़्यादा है, राइट? एक ग्राम ज़्यादा कब हो सकता है? जब एक ही चॉकलेट फॉल्टी हो। हमने पहले मशीन से एक ही चॉकलेट ली थी, तो अगर एक ही उस वजह से अगर एक ग्राम ज़्यादा आ रहा है, 551 ग्राम आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एक ही चॉकलेट फॉल्टी है और एक ही चॉकलेट हमने मशीन नंबर 1 से ली थी। इसका मतलब यह हुआ कि मशीन नंबर 1 वो फॉल्टी मशीन है जो 11 ग्राम की चॉकलेट बनाती है। अगर डिजिटल वेइंग मशीन पे 552 ग्राम यानी 552 ग्राम आया, इसका मतलब दो चॉकलेट्स ऐसी है जो फॉल्टी बनी हुई है। तो हमने दो चॉकलेट कौन से मशीन से ली थी? मशीन नंबर 2 से। इसका मतलब सेकेंड मशीन फॉल्टी है। सिमिलरली अगर 553 ग्राम आता है तो तीसरी मशीन खराब है, 554 ग्राम आता है तो चौथी मशीन खराब है, ऐसे करते करते अगर 565 ग्राम आता है, यानी 10 ग्राम एक्स्ट्रा आया, इसका मतलब 10 फॉल्टी चॉकलेट्स हमारे पास उस बंडल में थी और 10 चॉकलेट हमने कहाँ से ली? मशीन नंबर 10 से। तो इस वजह से मशीन नंबर 10 खराब है। तो इस तरीके से आपने उस डिजिटल वेइंग मशीन का सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करके पता लगा लिया कि उन 10 में से कौन सी मशीन फॉल्टी है जो 10 ग्राम के बजाय 11 ग्राम की चॉकलेट बना रही है। तो आशा करता हूँ आपको इसका जवाब जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इसका जवाब था तो बड़ा ट्रिकी और इंटरेस्टिंग था और दिमाग लगाने वाली बात थी। तो आशा करता हूँ आप में से काफ़ी लोगों को इसका जवाब शायद से आया भी हो, अगर नहीं आया हो तो आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर इसके बाद में भी आपको एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आता है या समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार सुनिए शांत दिमाग से, तो आपको ज़रूर समझ आएगा। या तो ये वीडियो आप आपके दोस्तों के साथ में बैठ के साथ में देखिए, आपके दोस्त लोग भी आपको हेल्प करेंगे ये जवाब समझाने में। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आंसर मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, उससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं इस तरह का कॉन्टेंट बनाते रहूँगा। दिस इज अक्षय डागा साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।